वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आज चैप्टर 4 करेंगे हम कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के डेटाज दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे पर्टिकुलर नोट नंबर 2016 की परसेंटेज, 2017 की परसेंटेज, और ऊपर लिख देंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहाँ जो बैलेंस शीट का टोटल है ना, इनको हमने 100 मानना है, 6 लैक्स को हमने 100 माना है, और 60 लैक्स को 100 माना है, और 70 लैक्स को कितना माना है, 100 माना है। तो देखिए इसमें क्या है, शेयर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। अब देखो इसमें शेयर कैपिटल और जो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है वो आप लिख लेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी 20,40,000, 24,45,000 दी हुई है। करंट लाइबिलिटी 12,60,000, 15,45,000 दी हुई है। इनका टोटल करेंगे 60 लैक्स, 70 लैक्स। अब ऐसे साइड में आएंगे, नॉन करंट एसेट्स आपको दी हुई है 36 लैक्स, 43 लैक्स, 40,000, और करंट एसेट, ये करंट नॉन करंट एसेट 36 लैक्स, 43,000, 40,000, और करंट एसेट आपको दी हुई है 24 लैक्स, 26,000, 26 लैक्स, 60,000। टोटल करेंगे 60 लैक्स, 70 लैक्स। अब इसको भी हमने 100 मानना है, इसको भी हमने 100 मानना है। अब हमें क्या करना है, 21 लैक्स डिवाइडेड बाय 60 लैक्स इंटू 100, 35 आ गया। 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 60 लैक्स इंटू 100, 10 आ गया। 20 लैक्स 40,000 डिवाइडेड बाई 60 लैक्स इंटू 100, 34 आ गया। 12 लैक्स 60,000 डिवाइडेड बाई 60 लैक्स इंटू 100, 21 आ गया। ये हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम अब इसको लेंगे, 21 लैक्स डिवाइडेड बाई 70 लैक्स, 30,000, ये 30% आ गया। 9 लैक्स 10,000 डिवाइडेड बाई 70 लैक्स, 13% आ गया। 24,45,000 को 70 लाख से डिवाइड करेंगे, 34.93 आ गया। 15,45,000 को 70 लाख से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22.07 आ गया। टोटल 100, तो हमने ये 100 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ऐसे साइड में आएंगे, 36 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, 60 आ गया। 24 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100, 40 आ गया। 43 लाख 40,000 डिवाइडेड बाई 70 लैक्स, 62 आ गया। 26 लाख 60,000 डिवाइडेड बाई 70 लैक्स, 38 आ गया। तो कॉमन साइज में हमें क्या करना है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट को 100 मानना है, और सभी फिगर्स को, जैसे इस साइड की जो भी फिगर्स हैं डिवाइडेड बाई 60 लैक्स, इस साइड की जो भी फिगर्स हैं डिवाइडेड बाई 70 लैक्स इंटू 100, ये आपने परसेंटेज निकालनी है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट 2018 का दिया हुआ है, और इसमें ए और बी दे रखा है, इसमें ईयर का कंपैरिजन नहीं है, इसमें ए फर्म और बी फर्म के बीच कंपैरिजन है। तो देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 4 लैक्स, 5 लैक्स 40,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लैक्स, 2 लैक्स 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी 3 लैक्स, 2 लैक्स 50,000, करंट लायबिलिटी 1 लैक्स, 1 लैक्स 50,000, टोटल करेंगे 10 लैक्स और 12 लैक्स। अब 10 लैक्स को 100 मानेंगे, 12 लैक्स को 100 मानेंगे। नॉन करंट एसेट में 4 लैक्स, 7 लैक्स, और करंट एसेट दे रखी है 6 लैक्स, 5 लैक्स, 10 लैक्स और 12 लैक्स, 10 लैक्स को 100 मानेंगे और 12 लैक्स को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब देखिए, 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स इंटू 100, 40, 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स इंटू 100, 20, 30, 10, यानी इस साइड की जो भी फिगर हैं 4 लैक्स, 2 लैक्स, 3 लैक्स, 1 लैक्स, सभी को 10 लैक्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस साइड की जो भी फिगर्स हैं 5 लैक्स 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, 12 लैक्स इनटू 100, 2 लैक्स 60,000 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इनटू 100, 2 लैक्स 50,000 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इनटू 100, 1 लैक्स 50,000 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इनटू 100, ये परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह करंट एसेट्स का देंगे 4 लैक्स, ऐसे साइड में 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इनटू 100, 40 आ गया। 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 लैक्स इनटू 100, 60 आ गया।
7 lakhs डिवाइडेड बाई 12 lakhs 58.33 आ गया, 5 lakhs डिवाइडेड बाई 12 lakhs इंटू 141.67 आ गया। तो इस प्रकार से आपने दोनों के परसेंटेज फाइंड आउट करने। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 2017। पर्टिकुलर नोट नंबर 2015-16, 2016-17, 2015-16 परसेंटेज, 2016-17 परसेंटेज। अब देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लैक्स 14 लैक्स। लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, इनका टोटल करेंगे 7,90,000, 10,50,000। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,10,000, 3,50,000। अब आपने क्या करना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसको 100 मानना है आपने। तो देखिए अब जो भी फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी के नीचे 10 लैक्स लेना है डिवाइडेड इनटू 100। तो 6,50,000 बटे 10 लाख गुना 100 ये आ गया, 80,000 बटे 10 लाख गुना 100, 60,000 बटे 10 लाख गुना 100, 7,90,000 बटे 10 लाख गुना 100, 2,10,000 बटे 10 लाख गुना 100। इसी तरह इसमें सभी के नीचे 14 लाख लेना है, 8,40,000 बटे 14 लाख गुना 100, 1,40,000 बटे 14 लाख गुना 100, 70,000 बटे 14 लाख गुना 100, 10,50,000 बटे 14 लाख गुना 100 और 3,50,000 बटे 14 लाख गुना 100। तो ये आपने इस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें केवल एक ही साल का दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,38,000 दे रखा है, एड अदर इनकम दी हुई है 38,000। तो ये आपका बन गया टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,76,000। ठीक है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे एक्सपेंसेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 14 लाख दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस 5 लाख, टोटल करेंगे 19 लाख। पाँच नंबर पे हम क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिक्स नंबर पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट टैक्स घटाएंगे और सेवन नंबर पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा। अब इसमें 25,38,000 को आपने 100 में कन्वर्ट करना है, 38,000 बटे 25,38,000 इंटू 100 1.5 आ गया, 25,76,000 बटे 25,38,000 101.5 आ गया, 14 लाख बटे 25,38,000 5 लाख बटे 25,38,000 19 लाख बटे 25,38,000 6,76,000 डिवाइडेड बाई 25,38,000 3,38,000 डिवाइडेड बाई 25,38,000 और 3,38,000 डिवाइडेड बाई 25,38,000। तो इसको हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है।